अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 6 सिफात में से ईमान की फजीलत के बारे में मालूमात ली थी। आज की वीडियो में हम नमाज की सिफात के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। नमाज का मकसद है कि हमारी 24 घंटे वाली ज़िंदगी सिफत व सलात पर आ जाए। अल्लाह ताला ने हमको जब भी मोहब्बत की निगाह से देखते हैं तो हम नमाज के लिए खड़े होते हैं। अल्लाह ताला हमको जब 7 मरतबा मोहब्बत की निगाह से देखते हैं तो हम हज के लिए निकलते हैं, और अल्लाह ताला जब 70 मरतबा मोहब्बत की निगाह से देखते हैं तब हम इज्तिमा की मजलिस में बैठते हैं। जैसे कि हम गुलदस्ते में रखने के लिए अच्छे अच्छे फूल चुन कर लेते हैं, उसी तरह अल्लाह ताला इज्तिमा की मजलिस में बैठने के लिए बंदों को चुन कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहराज पर बुलाया और नमाज जैसा अज़ीमुशान तोहफ़ा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी आँखों की टंडक नमाज में रखी गई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं, और इस बात की मैंने ज़िम्मेदारी ली है कि जो शख्स मेरे पास इस हाल में आएगा उसने इन 5 नमाजों को उनके वक्त पर अदा करने का अहतमाम किया होगा उसको जन्नत में दाखिल करूंगा, और जिस शख्स ने नमाजों का अहतमाम नहीं किया होगा तो मुझ पर उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, चाहे माफ़ कर दूं या सज़ा दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स 5 नमाजों की इस तरह पाबंदी करे, वज़ू और अवकात का अहतमाम करे, रुकू और सजदा अच्छी तरह करे और इस नमाज पढ़ने को अल्लाह ताला की तरफ से अपने ज़िम्मा ज़रूर समझें तो उस आदमी को जहन्नम की आग पर हराम कर दिया जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 5 नमाजें दरमियानी अवकात के लिए कफ़ारा हैं, यानी एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो सगीरा गुनाह हो जाते हैं वह नमाज की बरकत से माफ़ हो जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स का कोई कारखाना है जिसमें वह कुछ कारोबार करता है, उसके कारखाने और मकान के दरमियान 5 नहरें पड़ती है। जब वह कारखाने में काम करता तो उसके बदन पर मैल लग जाता है या उसे पसीना आ जाता है, फिर घर जाते हुए हर नहर पर गुस्ल करता हुआ जाता है। इस बार बार गुस्ल करने से उसके जिस्म पर मैल नहीं रहता। यही हाल नमाज का है। जब भी कोई गुनाह कर लेता है तो दुआ और इस्तगफार करने से अल्लाह ताला नमाज से पहले के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। नमाज की सिफत को हासिल करने के लिए 3 लाइन की मेहनत करनी है। अव्वल वक्त नमाज पढ़ने की मशक की जाए, यानी अजान का आवाज़ सुनते ही अपने सारे कामों को छोड़कर नमाज के लिए अपने आप को तैयार किया जाए। नमाज के तमाम मसाइल को सही से याद किया जाए, यानी गुस्ल से लेकर सलाम फेरने तक के तमाम मसाइल और नमाज के अंदर जो कुछ पढ़ा जाता है उसको ठीक ठीक याद किया जाए, और अल्लाह से रो रो कर नमाज की हकीकत को मांगा जाए। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।